आपने दुनिया के अमीर लोगों के बड़े बड़े कामों के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर शायद ही आप जानते हो कि मेहनत से कमाई गई दौलत को ये लोग किस तरह अय्याशी में उड़ाते हैं और इस पागलपन का लेवल क्या होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अरबपति इंसानों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने अपने शौक पूरे करने के लिए कैसे अरबों रुपए पानी में बहा दिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10 दोस्तों, सबसे पहले तो आप जरा इनसे मिलिए। ये है सऊदी के प्रिंस अल वालिद बिन तलाल। बचपन से आज तक इनका बस एक ही शौक रहा है, जो है दुनिया की एक से एक और महंगी से महंगी गाड़ियां खरीदना। ये तो ठीक था जब इन्होंने तमाम महंगी गाड़ियां हासिल कर ली, पर इन सब के बाद भी ये नहीं रुके। अब देखिए कैसे इन्होंने पैसे को फिजूल में बहाया। हीरो से नहाई हुई ये मर्सिडीज बेंच इन्हीं साहबजादे की है। और दोस्तों, ये हीरे कोई आम हीरे नहीं, बल्कि हीरो की दुनिया के सबसे कीमती हीरो में से एक है। दोस्तों, गाड़ी का दरवाजा, टायर के रिम्स, नंबर प्लेट्स तक हीरे से बनी हुई है। शहजादे के इस गाड़ी को करीब से देखने के लिए $1,000 की रकम चुकानी पड़ती है और इस गाड़ी को बनाने में $4,80,00,000 यानी कि 6 अरब रुपए बर्बाद हुए। दोस्तों, क्या कोई ऐसी नजर भी हो सकती है क्या जो रोड पे चलते वक्त इस खजाने को न देखे? क्या लगता है आपको, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 9, क्या कोई खुद को खुश करने के लिए करोड़ों को खर्च कर सकता है? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, पर ये है जाने माने ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल साहब। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ खुद को खुश करने के लिए इन्होंने अपने लिए $10 करोड़ यानी कि 12 अरब का बोइंग 747 जहाज खरीद लिया। इस जहाज की कीमत $10 करोड़ है और इसमें ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि इस जहाज को आलीशान और बेहतरीन बनाने में इन्होंने $12 करोड़ खर्च कर दिए। क्या आपको ये पागलपन या बेवकूफी नहीं लगती? मतलब 10 करोड़ का जहाज और $12 करोड़ की लागत उसे आलीशान बनाने में। फिर तो ये वही कहावत हो गई दोस्तों, जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला। इस जहाज में वॉश बेसिन से लेकर टॉयलेट से लेकर हर चीज सोने की बनाई हुई है और इसी तरह से $12 करोड़ खर्च करके सुल्तान ने इस जहाज को दुनिया का सबसे आलीशान और ऐशो आराम वाला जहाज बना दिया। और हाँ, क्या मेरी तरह आपका भी इस पे सवारी करने का मन कर रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8 दोस्तों, आज तो आईफोन 12 का जमाना है, पर आज भी इस आईफोन की मॉडल 5S की लोग मिसाल देते हैं। आज की तारीख में भी इस फोन पर की गई कारीगरी को लोग याद रखते हैं। दोस्तों, ये भी नॉर्मल आईफोन 5S पर ही है, पर इसकी कुल कीमत 112 करोड़ रुपए है, जिसे सिर्फ इस फोन को मॉडिफाई करने में खर्च किया गया है। इस आईफोन को दोबारा से रीडिजाइन किया गया है और इसकी पूरी बॉडी 24 कैरेट सोने से बनाई गई है। इसमें 135 सोने की लागत लगी हुई है। इस पूरे काम में 2.5 महीने का वक्त लगा था और इसका यह खूबसूरत होम बटन ब्लैक डायमंड की मदद से बनाया गया है और साथ ही साथ इस फोन के किनारों पे 600 छोटे छोटे सफेद हीरे से कारीगरी की गई है और यहाँ तक कि एप्पल का ये लोगो भी सोने और हीरो की मदद से बनाया गया है। इस्तेमाल करने के मामले में ये फोन एक आम आईफोन 5S जैसा ही है, पर अमीरों के ये दिखावे और शौक कुछ भी करा सकते हैं। नंबर 7 मिलिए रोमन अब्रामोविच से। दोस्तों, ये रशिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और साथ ही चेल्सिया फुटबॉल क्लब के मालिक भी। इन्होंने भी सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए एक बहुत ही आलीशान जहाज पे करोड़ों रुपए फूंक दिए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस पूरे शिप की कीमत $450 मिलियन है। इस शिप में 2 हेलीपैड, स्विमिंग पूल और मजे करने वाली सारी चीजें मौजूद हैं। इस शिप में एक खासियत और है, जैसे कि अगर कोई शख्स बाहर से इसकी फोटो क्लिक करवाता है तो उस फोटो में शिप के अंदर की कोई भी चीज क्लिक नहीं होगी और अब्रामोविच बहुत आराम से इसे शिप पर एंजॉय करते हैं। नंबर 6 दोस्तों, अब जरा आप इस घड़ी पर नजर डालिए। इस घड़ी का नाम है पातेक फिलिप ग्रैंड मास्टर शीम 63008। इस घड़ी ने 2019 में दुनिया की सबसे महंगी घड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया। महंगे होने के साथ साथ यूनिक भी है और क्योंकि ये पूरी दुनिया में बस एक ही पीस बनाई गई थी तो इसकी कीमत $31 मिलियन है यानी $232 करोड़। और आपको बता दें कि एक नीलामी में ये घड़ी बस 5 मिनट में ही नीलाम हो गई थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस नीलामी में इस घड़ी को इसकी असल कीमत से 10 गुना ज्यादा दाम पर खरीद लिया गया था, वो भी बस 5 मिनट में। जरूर खरीदने वाला शख्स या तो अरबपति या फिर फिजूल खर्चे का बादशाह होगा, क्योंकि इस घड़ी की नीलामी के बाद एक अमेरिकन एक्टर की रोलेक्स घड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो $17.8 मिलियन की थी। नंबर 5 इंडियन टेक्सटाइल टाइकून दत्ता फुगे। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो 2013 में दत्ता फुगे मीडिया और न्यूज चैनल में ट्रेंड पर बने हुए थे। दरअसल इसकी वजह ये थी कि दत्ता फुगे ने खुद के लिए 22 कैरेट गोल्ड की एक शर्ट बनवाई थी, जिसमें 4 किलो असली सोने का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। अब अगर पूरा शर्ट सोने से भरा हो और बटन प्लास्टिक के हो तो बात जरा बैठेगी नहीं। इसीलिए दत्ता फुगे ने बटन को 7 स्वारोस्की क्रिस्टल से बनवाने का सोचा। और बस इतना ही नहीं, इसके साथ साथ दत्ता ने सोने की बेल्ट भी बनवाई, जिसमें पूरे $2.5 लाख की लागत आई यानी पूरे
2 करोड़ रुपयों की। इस शर्ट को बनवाने के बाद दत्ता फोगे दुनिया भर में मशहूर तो हो ही गए और साथ ही दुनिया की सबसे महंगी शर्ट बनवाने के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। पर दोस्तों 2016 में हुई इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। दरअसल 2016 में कुछ लुटेरों ने रात के अंधेरे में घुसकर सब कुछ लूट लिया और साथ ही दत्ता फोगे को जान से भी मार दिया गया। क्या लगता है आपको, क्या ये लुटेरे थे या उनके भैंस में कोई और, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, गोल्डन बाथरूम। ये तो आपको पता ही होगा कि सऊदी के अमीरों के घरों में सोने से बने टॉयलेट रूम बने हुए होते हैं, सोने के बाथरूम जैसी चीजें मौजूद हैं। और अब ये सब चीजें और शौक पुरानी बात हो गई। आजकल का शौक है सोने से बना पूरा का पूरा बाथरूम, ना कि बस बाथटब और टॉयलेट, बल्कि पूरा का पूरा रूम, जिसकी जीती जागती मिसाल है ये घर का कमरा जो कि इंग्लैंड के एक राज्य में बना हुआ है। पहली बार इस घर के बाथरूम को देखने पर एक आम इंसान के होश उड़ जाएंगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों इसमें 2 भारी बाथरूम के साथ चीजें सोने की बनी हुई हैं। इस पूरे बाथरूम की कीमत $37 लाख है जो कि 27 करोड़ रुपयों के बराबर है। इसके अलावा जरा इस बाथरूम पर नजर डालिए जो कि बुर्ज अल अरब के होटल डिलक्स सूट में मौजूद है। दोस्तों अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और आप एक ही दिन में 7 लाख रुपए उड़ाना चाहते हैं तो यहाँ एक रात रुककर इस आलीशान बाथरूम का इस्तेमाल कर लीजिए, पर शायद ही कोई आम आदमी ये बेवकूफी करेगा। नंबर 3, ब्रुनेई सुल्तान कार्स। यहाँ फिर बात करेंगे एक बार फिर ब्रुनेई के सुल्तान की। दोस्तों आमतौर पर एक बेहद अमीर इंसान के पास 10 से 20 या 50 गाड़ियां होने की कल्पना की जा सकती है और अगर वो जनाब गाड़ियों की शौकीन है तो 100 गाड़ियां भी हो सकती है। पर ब्रुनेई के सुल्तान की बात थोड़ी अलग है। आपको बता दें कि ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल साहब के पास पूरे 7,000 गाड़ियों का कलेक्शन है और वो भी ये 7,000 कोई ऐसी वैसी गाड़ियां नहीं, सारी की सारी एक से बढ़कर एक कार है। इनकी सारी गाड़ियों की कीमत $5 बिलियन है, यानी कि पूरे 365 लाख करोड़ रुपए। आपको यकीन नहीं होगा कि ये 7,000 गाड़ियां कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि इनमें 452 फरारी, 604 रोल्स रॉयस, 574 मर्सिडीज बेंज, 11 एस्टन मार्टिन्स, 209 BMW और 21 लैम्बोर्गिनी के साथ साथ कुछ और भी बेहतरीन गाड़ियां हैं। पर इन कारों में एक ऐसी भी कार है जो दुनिया की सबसे महंगी कार है और उसका नाम है द स्टार ऑफ इंडिया। सोने से चमक रही इस रोल्स रॉयस के मॉडल की कीमत $1.06 करोड़ 22 लाख रुपए है। दोस्तों इनकी इस कार के अमीर अमीर लोग बस सपने ही देखते रह जाते हैं। और आपको बता दूं कि इनकी गाड़ियों की कीमत इनके नेटवर्थ का 25% है। शायद ही गाड़ियों का ऐसा पागलपन दुनिया के किसी शख्स में होगा। नंबर 2, ये है हमद बिन खलीफा। दोस्तों ये कतर के अमीर शख्स है और दुनिया में शान शौकत से रहने वाले लोगों में इनका नाम बहुत ऊपर आता है। पर इतने नाम और शान से इनका पेट नहीं भरा और फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया कि बस कतर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फोकस इन पर आकर रुक गया। जी हाँ दोस्तों, हमद साहब के पास खुद का एक निजी आइलैंड है जहाँ उन्होंने जमीन को खोदकर बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवाया। ये नाम इतना बड़ा था कि इसके एक कोने से दूसरे कोने की दूरी है पूरे 2.25 किलोमीटर। और जरा सोचिए इतने बड़े जमीन की कीमत कितनी होगी। उनका अपने इस नाम को इतना बड़ा लिखवाने के पीछे मकसद ये था कि ये नाम जान से भी देखा जाना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों, इतनी बड़ी दुनिया में ये 2 किलोमीटर का लंबा नाम दिखाई देगा या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 1, अगर आपके पास पैसा है तो उसे सही जगह इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत नहीं और कुछ लोग इन पैसों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। जरा इस पपी पेट को ही देखिए। इस पपी का नाम है टियारा और इसके मालिक का प्यार इससे इतना बढ़ गया कि उसने टियारा के लिए 24 करोड़ का डॉग कॉलर बनवा डाला। जी हाँ दोस्तों, 24 करोड़। दुनिया के आधे से ज्यादा लोगों ने अपनी 70 साल की जिंदगी में 24 करोड़ नहीं देखे होंगे, पर इस अरबपति के कुत्ते का कॉलर इतना महंगा है। डॉग कॉलर बनाने वाले इस कंपनी का नाम है लव डॉग डायमंड। इस कॉलर को बनाने के लिए 12 हफ्ते का समय लगता है और इसे 1600 छोटे छोटे हीरो की मदद से सजाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि बिलियनियर्स अपने पेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को। धन्यवाद।